हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। तो आपको तो मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ आपकी जो कक्षा 5 की बुक है। कौन सी बुक है आपकी? आसपास जो बुक है आपकी पर्यावरण वाली, उसका जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है खाएं आम 12 महीने, ये कंप्लीट कराने आई हूँ। और इसके पहले जो 3 चैप्टर हैं वो आपकी बुक के वो हो चुके हैं। साथ में आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी लग रही हैं प्रत्येक चैप्टर की। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज का जो क्लास है वो शुरू कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर है खाएं आम 12 महीने। यहाँ पे कुछ बच्चे दिए गए हैं, देख जैसे कि ये बच्चे जो हैं, ये लड़की है इसका नाम नीतू है, लड़के का नाम अमन है, प्रीति है, ये नीतू है, वही अमन प्रीति, ये तीनों लोग दोबारा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो नीतू है ये कहती है अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। ये कहती है अमन का जो डिब्बा है उसके डिब्बे में क्या है, इसके डिब्बे में मीठी पूरी है। और ये कहता है, अमन कहता है नीतू आलू की सब्ज़ी लाई है। नीतू क्या लाई है? आलू की सब्ज़ी लाई है। और प्रीति क्या लाई है? प्रीति कहती है मैं भिंडी लाई हूँ। क्या लाई हूँ? मैं भिंडी लाई हूँ। फिर क्या होता है कि नीतू जो है, नीतू कहती है लगता है तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं। किससे कहा है? नीतू ने कहा है, नीतू यानी किसने कहा है? अमन ने कहा है नीतू से, अमन ने नीतू से कहा है। तभी इसका मुंह देखो बना हुआ है। अमन नीतू के आलू देखकर कह रहा है लगता है तुम्हारे जो हैं आलू वो ख़राब हो गए हैं। तो ये फिर ये बोलती है, प्रीति बोलती है हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट ख़राब हो ना जाए। अगर तुम ये भिंडी यानी अगर तुम्हें खाना हो तो ये भिंडी ले लो ना। मतलब आपस में सब लोग कैसे खाना खा रहे हैं? शेयर करके खा रहे हैं। शेयर के मतलब मिल बांट के खा रहे हैं। तो नीतू की जो सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी थी वो ख़राब हो गई थी। ठीक है, इसीलिए प्रीति ने कहा तुम अगर तुम्हें खाना खाना है तो मेरी भिंडी ले सकती हो। फिर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, ये चर्चा करने के लिए क्या कह रहे हैं देखते हैं। अमन को क्यों लगा कि आलू ख़राब हो गए हैं? भाई जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमें उसकी अजीब सी ख़राब सी स्मेल या बदबू आने लगती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो ख़राब हो गए हैं। अगर फिर भी हमें अगर यानी लगता है कि ख़राब हुए हैं या नहीं हुए हैं तो हम उनको टेस्ट करके देख लेते हैं, तो उसके टेस्ट में भी अंतर आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सब्ज़ी ख़राब है या नहीं ख़राब है। फिर लिखा है यहाँ पे, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह क्या ख़राब है? तो इस बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको नीचे करते हैं थोड़ा। फिर ये कह रहे हैं, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्यों क्या लगता है कि नीतू वह खाना खा लेती तो क्या होता? तो अगर नीतू जो है वो अलग ख़राब आलू खा लेती तो उसका जो पेट है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए इसने प्रीति ने नीतू को आलू ख़राब आलू खाने से मना किया। तो यहाँ पे शिक्षक के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे ये है, खाना कब कब ख़राब होता है बच्चों के अनुभवों से निकलवाया जा सकता है। खाना ख़राब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना है, जो मतलब ये जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं वो कितने दिन तक चलाना है? 6 दिन तक चलाना है। और आपको बता दें, इन्होंने जैसे कि 2 शब्द बताए हैं, खाना ख़राब होने को और खाना बर्बाद। जो खाना ख़राब होना होता है तो वो मतलब रखे रखे वो सड़ जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं। और बर्बाद होने का मतलब आपने ज़्यादा खाना बना लिया, सबने खाना खा लिया, सबका पेट भर गया और वो खाना बच गया। जो बचा हुआ खाना है सबके पेट भरने के बाद वो बर्बाद हो जाता है। उसको हम यूज में कैसे ला सकते हैं? अगर आपके आस पड़ोस में कोई गरीब हो तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा खाना जो होता है बर्बाद नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं सोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो।
तो हमारे रसोई घर में कई सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, ब्रेड, जैसे कि इन्होंने ब्रेड बताया है, रोटी हुई, सब्जी हुई, आलू, मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो दो तीन दिन में ख़राब हो सकती हैं, जो दो तीन दिन में ख़राब हो सकती हैं तो हम उसको, जैसे कि ब्रेड वगैरह है, दो तीन दिन तक तो थोड़ी सही रहती है, पर उसके बाद ख़राब हो जाती हैं, गर्मी में तो और भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फिर हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होंगी, तो हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होंगी तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो हम क्या रख सकते हैं, अगर हम जैम वगैरह को खुला रख देते हैं तो हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अगर हम उसको बंद करके रख देंगे तो काफ़ी दिन तक चल जाएगी। चटनी हुई, हम चटनी वगैरह, चटनी किसकी, मीठी हुई, गुड़ की चटनी जो होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और महीने भर ख़राब नहीं होगी, महीने भर की बात करते हैं तो हमारे जो मैंगो जूस वगैरह जो आते हैं पैक्ड वाले, वो महीने तक नहीं ख़राब होते हैं। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। फिर आपको क्या करना है कि आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है और आपके दोस्त ने जो लिस्ट बनाई है उसको देखना है, फिर आपस में बात करनी है आप लोगों को। फिर ये कहते हैं, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगा? तो भाई हर मौसम का अलग रहता है, जैसे कि मैंने बताया ब्रेड जो होती हैं, ब्रेड जो होते हैं वो गर्मी में जल्दी ख़राब होते हैं, सर्दियों में फिर भी 3-4 दिन तक चल जाते हैं। फिर तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? भाई क्या होता है, जब खाना ख़राब हो जाता है तो हम गाय वगैरह जो होती हैं उनको डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो गाय वगैरह वो खाना भी नहीं खाती है, वो खाना हमारा वेस्ट ही होता है। फिर बीजी ने लौटाई ब्रेड, किसने, बीजी जो थी उन्होंने क्या किया है, ब्रेड जो है वो लौटाई है, क्यों लौटाई है देखते हैं। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई, ठीक है, बाजार से क्या लेने गई, ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। बीजी ने क्या किया, पैकेट जो था वो लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया? देखो ये जो हमारी ब्रेड है, आपको जूम करके दिखाते हैं, इसमें बीजी ने ब्रेड को क्यों लौटाया है, ये देखो, ये जो ब्रेड है इस पे ये जो धब्बे दिख रहे हैं वो क्या, किस चीज़ के हैं, फफूंदी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके ग्रीन जो होते हैं, ग्रीन फफूंदी जो होते हैं उसके वो लगी हुई थी, मतलब ख़राब ब्रेड थी, पहले से रखी हुई बेकार ब्रेड थी, वो दे दी थी दुकानदार ने, इसीलिए उसको लौटा दिया। फिर ये कुछ पता करने को कह रहे हैं, देखते क्या पता करने को कह रहे हैं। खाने की किन्हीं दो तीन चीज़ों के पैकेट देखो, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? तो हम अक्सर जब कोई चीज़ें लेने जाते हैं तो हम उस पर क्या देखते हैं, वो कब बना है और कब ख़राब हो रहा है, ठीक है, ये हम देखते हैं। फिर यहाँ शिक्षक के लिए संकेत दिया गया, देखते हैं क्या है। अलग अलग खाली पैकेट पर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें। ब्रेड जो है सूखी ना हो, कमरे में हवा हो, तालिका को चार पर बनाकर कक्षा में लगाएं, बच्चों को रोज़ भरवाएं, ठीक है, ये करना है हमें। फिर आगे चलते हैं, आगे जैसे कि ये ब्रेड जो पैकेट से खोली गई है तो क्या देखो, इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये हरा हरा जो दिख रहा है, मतलब ये हमें संकेत दे रहा है कि ब्रेड जो है वो ख़राब हो चुकी है। फिर यहाँ पे लिखा है खाना कैसे होता है ख़राब, मतलब हमारा जो खाना होता है वो कैसे ख़राब होता है, इस पर बात की गई है। प्रयोग, पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें, मतलब ये जो हमारा प्रयोग है पूरी कक्षा मिलकर, ठीक है, मतलब पूरी कक्षा को मिलकर यह प्रयोग करना है, मतलब सामूहिक प्रयोग करना है। फिर रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो, कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो। जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे, दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो। मतलब तुम्हें एक अच्छी सही ब्रेड लेनी है, फिर उस पर पानी छिड़क देना है, फिर उसको हर रोज़ देखना है कि उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं।
जैसे कि इन्होंने दिन लिए हैं और छूने पर उसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं, उसकी गंध में क्या चेंजेज हो रहे हैं, हैंड लेंस से देखने में, मतलब उसमें जब हम उसको लेंस हमारा जो होता है लेंस लगा कर देखने इसमें इसमें क्या चेंज हो रहा है, उसके रंग में उस क्या चेंज हो रहा है, वो सब हमको देखना है। आगे चलते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है, ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी, मतलब हमारी जो ब्रेड है उस पर फफूंदी कहाँ से आई, ठीक है। ये कह रहे हैं अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके का जो खाना होता है वो उसके अलग अलग ख़राब होने के दिन होते हैं, मतलब उसके ख़राब होने का एक समय होता है। जैसे कुछ चीज़ें इतने दिन में ख़राब होती हैं तो कुछ दिन में कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, ठीक है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है तो कुछ देर में, जैसे कि भी मैंने बताया खाना जिन किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो सकता है उसकी सूची बनाना है, मतलब आपको ये सब सूची बनाना है कि खाना जो होता है क्यों जल्दी ख़राब होता है। फिर एक संकेत है शिक्षक के लिए, वो ये है जब भी इस प्रयोग को कक्षा में करो उन्हें प्रयोग करने के बाद क्या करना होगा, हाथ को अच्छी तरीके से धोना होगा, क्यों भाई उसमें फफूंदी लगी होती है जो कि एक बैक्टीरिया ही होता है जो हमको बीमार करने के लिए काफ़ी है, तो इसीलिए हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय, खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करना है, तो मिलान करना है देखो कि खाने की चीज़ें जो होती हैं कैसे उनको हम बचा सकते हैं ख़राब होने से। जैसे दूध होता है भाई, दूध में हमने अक्सर देखा होगा हमारे घर में दूध जो होता है उबाला जाता है, क्यों उबाला जाता है, क्योंकि वो ख़राब ना हो, अगर हम दूध को नहीं उबालते हैं तो वो हमारा दूध ख़राब हो जाता है, तो दूध को क्या करते हैं उबालते हैं। फिर पके हुए जो चावल होते हैं उनको क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, क्या करते हैं एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हमारा जो हरा धनिया होता है उसको क्या करते हैं, हरे धनिए को हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, कैसे रखते हैं गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और जो हमारा प्याज और लहसुन होता है उसको कैसे रखते हैं, खुले में रखते हैं, किससे बचाकर, नमी से बचाकर रखते हैं, ठीक है। फिर आगे है हमारा, आगे है कि फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी और टांड्रा। भाई मामिडी टांड्रा क्या होता है, मामिडी टांड्रा जो होता है वो हमारा आम पापड़ या आमरस होता है, क्या होता है आम पापड़ या आमरस। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो थे आंध्र प्रदेश के आंत्रेयपुरम, कहाँ आंध्र प्रदेश के आंत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं, छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है और जब पेड़ पर आम लदे होते हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब। उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीक़ों से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है अगले मौसम के आने तक, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि तो फिर क्या हुआ कि एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी टांड्रा मतलब आम पापड़ बनाओ ना। फिर क्या हुआ, फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों की मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी टांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, केजुरीना पेड़ के डंडे और नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर ले आए। फिर आपके आगे की कहानी बताने से पहले आपको बता दिया, हमारा ये जो चैनल है, आपका जो चैनल है जोजस स्टडी, इसे आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, कर लेना। और आप जब वीडियो इसमें
प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपकी क्लास के जो सब्जेक्ट, उनके चैप्टर वाइज सारे क्लासेस पढ़ी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप फिर जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे तीन और चैनल मिलेंगे, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ये आपका ना माइंड बूस्ट करेंगे, ये क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे आपकी। और इन चैनल्स में क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट कर लेना। जैसे ये दोनों भाई हैं, ये अपने पिताजी के साथ लकड़ी, चटाई, ठीक है, ये सब चीज़ें ले आए हैं। देखो यहाँ पे आम का रस निकाला जा रहा है, और आगे क्या हो रहा है, इनकी जो अम्मा है चटाई पे जो फैला रही हैं, फिर ये जो आम पापड़ बन गया है ये दोनों चाव से खा रहे हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं लिखा क्या है। अम्मा ने क्या किया है, अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया, उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। क्या बांधी, चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम छांटे और सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े बर्तन पर पतले सूती कपड़े से क्या किया, आम के रस को छाना, क्या किया, आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेसे ना रह जाए। मतलब गूदा निकाल लिया आम का, फिर उसको एक कपड़े से छाना ताकि आम का कोई भी रेसा ना रह जाए। फिर चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठे ना रह जाएं। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह से मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, ठीक है, चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया, मतलब जब दिन छिपा, मतलब जब सूर्य जो था वो चला गया, तो उन्होंने उसे साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसे चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा, मतलब दो दिन तो अम्मा ने कर दिया, बाकी के जो दो दिन बचे थे उन्होंने किसको कहा, अपने दोनों लड़कों से ही कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही परतें जमाई। अगले चार हफ्ते तक उन्होंने यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए, मतलब चार हफ्ते का ये काम था तो उनको ये चिंता रहती थी कहीं बारिश ना हो जाए, ठीक है। चार हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई। कितने सेंटीमीटर की हो गई, 4 सेंटीमीटर की हो गई, एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे और खाएंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। इस तरीके से किया, मतलब चिन्ना जो बाबू थे वो बोले मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें, मतलब उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा है इसमें, हमने अपनी मेहनत करके इसे बनाया है, किसको, आम पापड़ को, जिसे हम क्या कहते हैं, मामेडी टांड्रा भी कहते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया था, ताकि वो ख़राब ना हो और मीठा भी हो जाए। फिर है बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे, क्योंकि पके हुए आम से ही वो हमारा बनता है, कच्चे आमों से ही नहीं बनता है, ठीक है। भाइयों ने मामडी टांडा कैसे बनाए अलग अलग चरण में समझाओ, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारे घर में कच्चे व पक्के आम से क्या क्या बनाते हैं। फिर कह रहे, तुम्हें कितनी तरह से आम के अचार बना के बारे में पता है, सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों पर उनसे बातचीत करो। मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने दो फ्रेंड्स लोग हैं जो उनसे चर्चा करनी है कि तुम्हारे घर में आम का कैसा अचार बनता है, तुम्हारे घर में किस तरीके से बनता है, इस तरीके की चर्चा करनी है। फिर ये कह रहे हैं, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है, तो भाई हाँ मेरे घर पर तो अचार मेरी मम्मा बनाती है। कौन सा अचार तुम्हें, अचार कौन बनाता है या तरीका उनसे किसने सीखा, तो मेरी मम्मी ने नानी से ही सीखा होगा। तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इसमें हींग,
मेथी दाना, इलायची, सरसों, कई सारी नमक, कई सारी चीज़ों का लगता है। तो और आप लोग मुझे अपने घर में अपनी मम्मा से पूछ के बताना और कमेंट करना कि क्या क्या लगता है, ठीक है। फिर यह कर रहे हैं पापड़ चटनी बस या सा सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है कैसे बनते हैं। फिर कह रहे हैं पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। तो कहाँ से पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र पर जाना हो, तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे, उसको पैक कैसे करोगे, सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। भाई अगर हम खाना लेकर जाएंगे, खाना 2 दिन का पैक करेंगे तो खाना तो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम मीठे पूड़ी बनवा लें, जिसे पुआ भी बोलते हैं, ठीक है, पिटोआ बोलते हैं कई जगह पे, हमारे यहाँ पिटोआ बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मीठी पूड़ी को, हाँ मुझे कमेंट करके बताना। और साथ में अचार, अचार ले लेंगे, अचार तो ख़राब ही नहीं होता ये, और इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है मीठी पूड़ी और अचार का, तो ये ले जाना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। फिर है शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि अगर शीशी में थोड़ा भी पानी अगर रह जाता है तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा अचार जो है ख़राब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है, क्योंकि ब्रेड में हम पानी डाल देते थे तो ब्रेड जो हमारी थी वो ख़राब हो जाती थी। फिर आम को पूरे साल भर चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी रस आदि कई चीज़ें जो होती हैं वो बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम को जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम सॉस हुए, कई सारी चीज़ें होती हैं, चटनी हुई है, ठीक है, और अचार तो हमारा होता ही है। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं। और आपको बता दें हम जो हमारा जोजस किड्स चैनल है वो बच्चों का चैनल, जिसमें आप बच्चों को कैसे ABCD अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाएं, कैसे आप उनको क्ले से चीज़ें छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाएं, कैसे उन्हें ड्राइंग सिखाएं, कैसे उन्हें राइम्स सिखाएं, कैसे उन्हें एनिमल्स की जानकारी दी जाए, ये सब बताया गया है। हमारा दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप घर बैठे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में प्यारी प्यारी रिंग्स बनाना सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और हमारा तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें आप घर बैठे घर पुरानी बेकार की चीज़ें जैसे शादी के कार्ड हुए और नैपकिन वगैरह हुई, हमसे आप उनसे घर की डेकोरेशन की चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे बाकी के चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अब रही हमारी गुरु दक्षिणा की बात, तो हमारी गुरु दक्षिणा में आपको देना है एक सब्सक्राइब, जिसमें आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चारों चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, क्योंकि जब हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ में आपको हमारे चैनल को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।